तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हर रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। सेक्स सीडी कांड में फंसे एमएलए संदीप कुमार के बाद आपके दूसरे एमएलए देवेंद्र सहरावत पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब में आप नेताओं पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाने वाले देवेंद्र सहरावत के पिता राम प्रकाश सहरावत ने अपने ही बेटे पर काला जादू और तंत्र मंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है। पिता ने देवेंद्र से जान का खतरा भी बताया है। राम प्रकाश ने इसकी शिकायत 8 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल से कर दी थी। उनके पिता ने देवेंद्र सहरावत के बर्ताव की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें कई आरोपों के साथ सहरावत पर काला जादू करने का आरोप भी लगाया गया था। पिता के मुताबिक उनके बेटे ने जबलपुर में काले जादू की ट्रेनिंग ली थी। चिट्ठी में राम प्रकाश ने लिखा है कि देवेंद्र सहरावत साल 2005 में सेना की तरफ से एक कोर्स करने जबलपुर गए थे। वहां काले जादू की बकायदा ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान नर्वस ब्रेकडाउन का वो शिकार हो गए थे, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली के विभांस अस्पताल में इलाज चला था। उसका बदलाव यह है, तो उसके अंदर बू बहुत आ गई है। वो आदमी को अहमियत देता नहीं है, ना इज्जत देता है। वो सोचता है जो कुछ है तू आप मैं ही हूँ और कोई आदमी नहीं है। बेइज्जती करता है इंसान की, हर एक आदमी को धमकी से बात करता है और बेइज्जती करता है। उसमें एमएलए बनने के बाद में कहता है पुलिस वगैरह सब मेरी पॉकेट में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं 5 साल के लिए एमएलए हूँ।